तो गाइस हम बराड़ी पहुंच के, ऐसे कुछ कहते हैं बराड़ी, तो सेवन वाली जगह तो बंद है। तो हम यहाँ से बराड़ी में आ गए, तो यहाँ हमारा कज़न है, शायद हम उसको भी ले जाएँ या काम ना, मतलब उसके अपने दुकान या काम करता है, तो शायद हम इसको भी ले जाएँ। तो आप यहाँ देखिए कितना टेम्परेचर है, गाँव ऐसे एक तरफ ही है, बस 10-12 किलोमीटर के पास हमारा गाँव आ जाएगा। ये रेंजर्स वालों के वो हैं जिसके अंदर ऑयल होता है, रेंजर्स वालों को ऑयल देते हैं, तो वो उसके करीब हम खड़े हैं। तो अभी मैं यहाँ आया था, यहाँ गर्मी बहुत आ गई, तो गाइस मैं अभी मुँह धोने आया था, यहाँ गर्मी बहुत है ना, तो इसलिए मुँह धोते हैं, यहाँ गर्म पानी भाई। तो अभी देखते हैं, शायद रोटी खाएँ, भूख लग गई, मामू करे रोटी खा के मेरा बैठा, ठीक है पानी बहुत। तो अभी मामू गया हुआ है, तो अभी बज रहा है 1:30 बज रहे हैं, तो अभी खाऊँ शाऊँ धो लेते हैं, हालत बहुत बुरी है। तो गर्मी बहुत है, सर को धो लेते हैं, अब धो नहीं है तो सर भी धो लो भाई, गर्मी बहुत है यार। तो गाइस अभी नमाज पढ़ने लगा हूँ, तो बालों पे नहीं जाएगा क्योंकि बाल खराब हो गए, क्योंकि नमाज पढ़ने में थोड़ा दुख रहा है। गाइस अभी हम पहुँचने लगे अपने गाँव, जैसे आप देखें तो हम पहुंच गए। तो उर्दू में इनको कहते हैं मौसमियाँ, तो अभी मौसमियाँ तोड़ने आए हैं, तो अभी अभी पहुंचे हैं, तो पानी छानी पिया है। यहाँ का मौसम मतलब ना थोड़ा सा सही है, नॉर्मल है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं, ज़्यादा नॉर्मल है। तो अभी मौसमियाँ तोड़ते हैं फिर चलते हैं। तो जो मेरे कज़न है ना, जो असद के भाई हैं, तो वो गए हैं मछलियाँ पकड़ने, तो देखते हैं मछलियाँ पकड़ होती हैं, तो फिर कल जाएंगे, क्योंकि अभी हम आए तो जाहिर सी बात है इतना सफ़र, सुबह 9 बजे के लगे हुए हैं, तो अभी हो गए होंगे मैं 10-12 घंटे ड्राइव करते करते, तो मुझे नहीं सही तरह पता, तो जाहिर सी बात है। तो इसलिए हम ऐसे करेंगे कि हम कल सुबह सुबह निकल जाएंगे। अभी मामू मुझे कह रहा था कि आप ऐसे करो कि हमारे साथ चल लो कल आना, मैंने कहा नहीं हम आज ही आएँगे, हम आपके पास कल शाम को आएँगे, तो हम कल शाम को वहाँ जाएँगे, कल सुबह मछलियाँ पकड़ने जाएँगे। तो अभी मौसमियाँ तोड़ते, उर्दू में मतलब पंजाबी में इसको मौसमियाँ कहते हैं, उर्दू में मुझे नहीं पता भाई।